हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं रेलवे ग्रुप बी के 9 अक्टूबर को हुए एग्ज़ाम के बारे में कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है। तो उसका सही जवाब है निर्मला सीतारमन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3916 का स्क्वेयर क्या है। तो उसका सही जवाब है 1533-5056। उसके बाद पूछा गया था कि नंबर ऑफ एटम्स इन सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में आपको पता होगा, साइंस वाले बच्चों को तो ज़रूर पता होगा कि दो एटम होते हैं सोडियम के और एक एटम होता है कार्बन का, और तीन एटम होते हैं ऑक्सीजन के। इसके बाद पूछा गया था मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिलीन गैस का, वो 28 होता है। उसके बाद पूछा गया था, एक प्रॉब्लम आई थी कि एफ इक्वल्स टू एम ए एंड काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। उसके बाद पूछा गया था कि अरावली रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो गुरु शिखर है, जो कि हमारे माउंट आबू में पड़ती है। एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस पूछा गया था कि दी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। उसका सही जवाब है कि चार होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। उसके बाद पूछा गया था कि केप टाउन, वेयर इज केप ऑफ गुड होप, ये कहाँ है। तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद पूछा गया था कि हु हैज़ हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफ फाइव टाइम्स चैम्पियन इन एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो ये शायद सभी को पता होगा, ये मैरी कॉम ही है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओइनाब बेमबेन देवी इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो उसका सही जवाब है फुटबॉल। उसके बाद पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ द इंडियन रेलवे इन द वर्ल्ड, कि भारतीय रेलवे की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीआई का चेयरमैन कौन है। तो उसका सही जवाब है गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद पूछा गया था कि 2018 में महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने एक स्टैचू अनवील्ड किया था। तो वो था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस है, रामदेव अठावले ने वो किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिजिनल नेम ऑफ योगी आदित्यनाथ, तो ये था अजय सिंह बिष्ट। ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु गॉट पद्म भूषण अवार्ड 2018 आर्ट एंड म्यूजिक फील्ड फ्रॉम बिहार। तो ये पूछा गया था कि इसका सही जवाब था शारदा सिन्हा। और इसके बाद पूछा गया था कि गुजरात के इलेक्शन 2017 कौन सी पार्टी जीती थी। ये क्वेश्चन शायद सभी बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, जो कि बीजेपी था। तो दोस्तों, आप देख रहे थे स्टडी बॉक्स चैनल। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।